सबको आसरा सुखों का भंडार है। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। दियो यो न प्रचोदया, दियो यो न प्रचोदया। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कि अगर आपने दोस्ती करनी है तो सबसे पहले अपने आप से दोस्ती करो। दोस्त बनाना है आपने तो सबसे पहले अपने आप को अपना दोस्त बनाओ, फिर आप दूसरे के साथ दोस्ती करो। क्योंकि दोस्त जो होता है वो क्या करता है, वो दोस्त का विदाता। पंजाब सिंध गुजरात, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। Yeah.
सिट डाउन। इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग। आई एम संजना ऑफ फ्रॉम वेलबींग हाउस विशिंग ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। Some thoughts are so powerful, they can inspire and even change our thinking. I call to Sudhanshu of class 11 for sharing a powerful, positive thought. Good morning to all of you. My name is Sudhanshu Bar. My today thought is, only you can change your life. No one can do it for you. Repeat in Hindi. केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई दूसरा आपका जीवन नहीं बदल सकता। थैंक यू। थैंक यू सुधांशु। लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड नॉलेज नेवर एंड्स, सो टू मेक अस लर्न नाउ नॉलेज हर कम्स हर रीप ऑफ क्लास 11 टू प्रेजेंट टुडेस जनरल नॉलेज क्वेश्चन टू अस। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल एंड टीचर, टीचर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई आस्क सम क्वेश्चन प्लीज आंसर मी। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी? राइट आंसर। गिव द आंसर फॉर द आंसर। स्किन सर दे लगते हैं मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी। राइट आंसर। गिव द करेक्ट आंसर। गिद्धा इज द फॉक डांस ऑफ। गिद्धा इज द फॉक डांस ऑफ। राइट आंसर। विच इज द विच प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट? राइट आंसर। नेम द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? बनियान। बनियान ट्री। राइट आंसर। नेम द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Hardeep. Now, I would like to Raman of class 11 will share views on topic value of time. Good morning to all. Today, my topic is value of time. Time has great importance in our life. Once time passes, it never come back. We should always make good use of our time. Time leaving far behind who does not value it. In student life, we must use our time very intelligently. With the right use of time, we can create to great future. Thank you. Thank you, Raman. This is the time increase your vocabulary. So I would like to Yuvraj of class 9 with the word. Good morning to all of you. Today my word is sin, meaning in Hindi, apraad. I repeat again, sin, meaning in Hindi, apraad. Thank you. Thank you, Yuvraj. Thank you to all of you and have a nice day. Great, stand up. Sit. Good morning, students. अभी ये सभी बच्चों ने जो मॉर्निंग असेंबली अभी कंडक्ट की है, तो हम अक्सर आपसे ये कहते हैं कि थोड़ी तैयारी करके आया करो, या फिर जो मटेरियल आप लाते हो यहाँ पे पहले हमें जरूर दिखाया करो। किसी को भी, कोई भी सर हैं आपके, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो किस्सा उसके हैं, किसी भी टीचर को आप दिखा दिया करो, उसके बाद फिर आप स्टेज पर आया करो। ये हम आपको अक्सर कहते रहते हैं। अभी एक बच्चे ने थॉट बोला कि यू कैन ओन चेंज योर लाइफ,
आप अपनी जिंदगी को खुद बदल सकते हो। ये बिल्कुल 100% सही है। कोई किसी की लाइफ को नहीं बदल सकता। जब तक आप में अपनी वो विल पावर ना हो, आप में इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमने कोई बदलाव लाना है और सबसे पहले अपने में लाना है। ये हमारे सर भी, हमारे टीचर भी हमें कहा करते थे, तो मुझे उनकी एक बात याद आ गई। हमारे एक टीचर हैं, वो यहीं से प्रिंसिपल रिटायर हुए, मैं उनसे बड़ा भी हूँ, मैं उनके साथ एज ए टीचर जॉब भी किया है, फिर हमने उनके अंडर, वो प्रिंसिपल थे तो हम टीचर थे, तब भी मैं उनके साथ था, तो वो अक्सर हमसे कहा करते थे कि अगर आपने दोस्ती करनी है तो सबसे पहले अपने आप से दोस्ती करो। दोस्त बनाना है आपने तो सबसे पहले अपने आप को अपना दोस्त बनाओ, फिर आप दूसरे के साथ दोस्ती करो। क्योंकि दोस्त जो होता है वो क्या करता है, वो दोस्त का भला करता है, दोस्त को कभी हर्ट नहीं करता, कभी उसको गलत नहीं कहता, उसको अक्सर गाइड करता है, चाहे वो मुसीबत में है, चाहे खुशी में है, चाहे गम में, उसके साथ रहता है। तो जब लोग आप अपना ही भला नहीं सोचते हो तो फिर आप अपने दोस्त का, दूसरे का क्या भला सोचो। ये बिल्कुल आपके ऊपर 100% लागू होता है कि एज ए स्टूडेंट आप जब आप अपना भला ही नहीं सोचोगे तो फिर कहते हो नहीं वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, तो आप अपने दोस्त का क्या सोचोगे। आपको पता है अभी कि आपको डिसिप्लिन में रहना है तो आप डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हो। आपको पता है कि हमने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, एजुकेशन हासिल करनी है, लेकिन आप क्लासेस बंक कर रहे हो, तो फिर आप अपना कैसे भला कर रहे हो, आप अपने दोस्त कैसे हो सकते हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही थॉट था कि अपना भले के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं तो जितनी मर्जी महफिल में बैठ जाओ, अगर आपका इरादा सही है, आप सही हो, तो आपको कोई भी ज़्यादा एनवायरनमेंट या कोई सोसाइटी आपको ख़राब नहीं करेगी। अगर आप ख़राब होंगे तो उसमें ज़रूर आपका ही थोड़ा सा दोष होगा, आप ढीले पड़ेंगे, आप में कोई ना कोई कमज़ोरी होगी, फिर आपका क्या होगा, अपना जो करैक्टर वगैरह जो है, या आपका भविष्य जो है वो ख़राब होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपसे यही एडवाइस आपको देता हूँ कि आप अपने दोस्त बनिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना भला सोचिए, फिर आप दूसरे से मित्रता कीजिए। जब आप अपना बिल्कुल अपना भला सोच लेंगे, अपने दोस्त बन जाएंगे, तो फिर आप दूसरे का भी दोस्त बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस। पीस हाउस के जो बॉयज हैं वो यहीं पे रहेंगे, सॉरी बेल्डिंग हाउस के, वो स्टेज पे चले जाएंगे पीछे, बाकी जाएंगे। एक साथ सावधान होंगे, सावधान विश्राम, सावधान रेड, एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। शुभया शिष मांगे गाहे सब जय गाथा।
का तीन किनारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।